बहुत अच्छा काम भाई। हाँ तो लाडलो, एक बहुत बार पूछा गया था कमेंट में कि सर आप कभी घर नहीं दिखाते अपना, तो आज मैं घर आया हूँ अपने गांव में। पहले तो देख लो गांव में, आज गांव आया हूँ मैं अपने, ठीक है। इसीलिए सुबह की आज करंट की क्लास भी नहीं ले पाया, राम सर ने ली थी। ऐसे थोड़ा सा काफ़ी दिनों हो गए, तो 15-20 दिन हो गए, इसलिए मैंने कहा चलो गाँव आया हूँ, आज आपको घर दिखाता हूँ मेरा, ठीक है। पूरा घर का टूर करा देता हूँ आपको, ताकि फिर ना पूछो कि सर के जी घर नहीं दिखाते, घर ना दिखाते, घर ना दिखाते। आज घर ही दिखा देते हैं आपको, और फिर मम्मी से भी मिला देंगे, सबसे मिला देंगे, ठीक है। चलिए दिखाता हूँ घर मेरा। तो लाड लो, ये है घर मेरा, ठीक है। ये है आपके विराट सर का घर भाई, गांव में है। और गांव में देखो हमारी भैंस वैंस भी रखते हैं, भैंस वैंस भी है। मेरे शादी के टाइम लिखा हुआ गोदारा परिवार मेरे, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और ये आप हमारी गाड़ी है छोटी सी, दिखाते हैं आपको। ये है घर का फ्रंट, और ये इधर मेरा भांजा है। गांव में बाथरूम सब बाहर होते हैं, शहरों की तरह घर के अंदर नहीं होते बाथरूम है। गांव में बाथरूम सब बाहर होते हैं, ठीक है। ये इधर घर है, ये घर का फ्रंट ऑफ व्यू है। और ये है हमारे भांजे जी उत्तम चौधरी जिनका नाम है। ये देखिए ये हमारी मुर्रा, ठीक है, ये हमारी है मुर्रा, गंगा इसका नाम है, इसका पाडू है। वो कौन है रे पाडू, क्या नाम उसका। और ये इसके इधर इधर भैंस के रहने का है, ये दिन में बाहर जाती है, शाम को इधर आके रहती है, रात में इधर रहती है, बाकी दिन में ये बाहर जाती है। तो ये घर, तो लाडलो ये छोटा सा घर है मेरा। अब घर के अंदर दिखा देता हूँ आपको घर के अंदर क्या क्या है। तो ये छोटा सा घर है हमारा गांव में, ठीक है। ये हमारे मम्मी जी आ गए हैं बाहर, ठीक है। चलिए मिलाते हैं आपको घर अंदर, अंदर का दिखा देता हूँ पहले एक बार। इधर रूम है बाहर का, ये बाहर का रूम है। इधर मशीन लगी है कपड़े सिलने की, उधर मेरे ट्रेनिंग टाइम की फ़ोटो है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। चलो पहचानो देखिए इसमें मैं कहाँ हूँ, पहचानो देखिए इसमें मैं कहाँ हूँ। ये रहा मैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग टाइम की फ़ोटो है। ये घर के अंदर गांव में खाट पक्का होती है, ये खाट है जिस पे सोते हैं। ये घर के अंदर का जो सीन है उसको दिखा देता हूँ आपको, देखो। और ये है देसी फ्रिज, इधर फ्रिज है एक, इधर देसी फ्रिज है ये वाला, पानी ठंडा रखने के लिए, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा, चलिए अब आपको और मिलाते हैं किसी से। ये है किचन, ये चक्की है आटा पीसने की, ये किचन है। इधर केले पड़े हैं, ये कौन खाएगा ये केले, इतने केले खाने वाले आदमी इधर है। ये बना रहे हैं फुलके, पूजा जी आपकी पूड़ा में, पूजा मैडम भी बना रहे हैं फुलके। आज मम्मी के चक्कर में फंस गई है इसलिए इनको फुलके बनाने पड़ रहे हैं। आज गांव आई है तो मम्मी के लिए काम बनाते हैं। आज मम्मी के चक्कर में फंस गई है भाई। और भाई दो दिन बढ़िया ट्रेनिंग करा दीजिए बड़ी, और ट्रेनिंग के लिए आए हैं, दो दिन की ट्रेनिंग के लिए आए हैं, दाल बाटी चूरमा सीखने के लिए, अचार बनाना सीखने के लिए, और क्या सीखने के लिए आए हैं। सभी क्या क्या, सब काम, मतलब सब काम क्या क्या, जैसे झाड़ू पोछा। झाड़ू तो भी नहीं आता आपको, वाह आता है झाड़ू पोछा। हाँ तो दो दिन की ट्रेनिंग है इनकी, कितने दिन की ट्रेनिंग है। हाँ दो दिन है, दो दिन की ट्रेनिंग है ना। बता क्या क्या सीखेगी, और क्या सीखेगी। हाँ
चूरमा बना। सबसे पहले तो वो बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी आपने पढ़ा हुआ है? हाँ ये बाजरा आपने माल्या पढ़ा हुआ है, दस बोरी बाजरा पिछले साल का पड़ा, अभी इस साल में और होने वाला हमारे बाजरा खेत में, इस बार ही हो जाएगा 8-10 बोरी। हाँ। मेरे को तो बाजरा की रोटी जरूर। हाँ बाजरा की रोटी जरूर बनाऊंगा। दाल बाटी चूरमा बनाना था? दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी तो आती चूरमा। कौन सी वो वाली चूल्हे वाली आती बाटी? चूल्हे वाली बाटी सीखा, कल चूल्हे वाली बाटी सीखेंगे। कल कल आपको कल का ट्रेनिंग प्रोग्राम लिख के दे दूंगा, पूरे दिन काला सिखाई दी। ठीक है तो लाडलो ये है हमारा किचन और ये हमारे डॉन है, डॉन ठीक है, हाई कमांड हमारी है। ठीक है हाँ, कई बार आ चुके हैं वीडियो में, हाँ कमांडो एकेडमी हाई कमांड है ये। और आज इनका सही नंबर लगा है, बहुत ही अच्छा नंबर लगा है आज इनको, बहुत ही अच्छा काम भाई। ऐसा गैस देना कोनिया भाई, लट से मारना, ऐसे कुटाई करना, पूरा सिखा देना। अच्छा बताओ ना लाड लो, ये है दो रूम, नीचे ये टीवी स्टैंड है, इधर एक रूम है नॉर्मल वाला, उधर भी एक नॉर्मल सा रूम है। और हमारी जॉइंट फैमिली है भाई, अलग अलग नहीं है, हम साथ में रहते हैं। भाई साहब के रूम है नीचे, हैं इधर ऊपर हमारे भी है। और ऊपर आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो छत पर यह है तिल, आपने नहीं देखे होंगे, ये है तिल भाई। क्या है? तिल है, तिल में से तिल निकलेंगे, जो तिल्ली होते हैं ना, तिल्ली देखो यहाँ पे निकली हुई है, कुछ में से जो सूख जाते हैं ना, इसमें से देखो इस पर ये तिल निकलेंगे, फिर इसको मम्मी और कुछ करके इसको अलग से निकाल देंगे। तो ये तिल है ठीक है, इधर हमारा रूम है। और ये है आपको ऊपर से दिखा देते हैं गांव का दृश्य, इधर ये घर के बाहर का दृश्य है। ये देखिए ये है गांव हमारा, ठीक है लाडलो, ये है गांव हमारा पूरा, ये ऊपर से बना रखा है भाई। तो ये घर है सर, कभी आप घर नहीं दिखाते, घर नहीं दिखाते, तो भाई ये घर दिखा दिया लाडलू, घर दिखा दिया आपको, पूरा गांव भी दिखा दिया, घर के साथ साथ का गुरुजी घर ना दिखाते कभी, घर दिखा दिया, पूरा गांव भी दिखा दिया। ये लो पूरा गांव और घर, वो पूरा गांव दिखा दिया, देखिए गांव में सब ऐसे खुले खुले मकान है भाई, सिटी की तरह ना, बहुत ही शानदार वातावरण रहता है, गजब का। अगर कोई गाँव में रहता है तो मेरे ख्याल से उसको तो शहर पसंद ही ना आता होगा, बहुत मज़ा आता है भाई। गाँव का, गाँव की ज़िंदगी अलग है, गाँव की ज़िंदगी बहुत ही प्यारी होती है भाई। ये देखो छत के ऊपर ही तिल्ली बिल्ली आ रखी है, हैं खेत में से निकाल निकाल के लाते हैं मम्मी हमारे खेत पे ना, वहाँ से खेत दिखाया था ना एक बार पहले वीडियो में, तो खेत हमारा। और ये घर के अंदर का सीन, अभी हमारा खाना बन गया तो खाना भी खा रहे हैं, साथ में आपको दिखा भी देते हैं। खाना बन गया, खाना बन गया क्या मैडम जी? मैडम जी खाना बन गया, मैडम जी खाना बन गया क्या? ये स्वर को किला, ये लता मंगेशकर जी के चेली है, ओहो ये वाजी। देखो कैसी रोटी बनाई, देख रहे कैसी फूल की रोटी, फूली की ये मतलब क्या गजब की रोटी बनाई हमने, वाज वो मानना पड़ेगा, अपना घर दिखा दिया नहीं उसको, आइए कभी हमारे घर पे, लाडलो ये है हमारा छोटा सा घर, लेकिन अभी हम अकेडमी में रहते हैं ज्यादा टाइम, घर पर तो 2-4 बार आ जाते हैं महीने में, पूजा आती रहती है लेकिन मेरा तो आना नहीं होता, ये आते रहते हैं जी, क्योंकि घर पे आता हूँ दिन, फिर क्लासें नहीं हो पाती, घर पे फिर मम्मी से बातें ही होती है बस। ओके लाडलो, तो ये है हमारा घर का पूरा आपको दिखा दिया, ज़्यादा बड़ा घर ना, छोटा सा घर है।
छोटा सा प्यारा सा घर बना रखा है भाई आपकी दुआ से, और जैसे प्यार करते हो करते रहिए भाई, तो भगवान आपको भी जल्दी नौकरी लगाए, जल्दी आपकी जितनी इच्छाएं पूरी हो लाड लो, और मस्त रहो व्यस्त रहो। जय हिंद जय भारत मेरे लाड लो।